एन अदर एरिया वेयर यू कैन यूज़ कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल इज द रेगुलेशन एंड द कॉस प्लस प्राइसिंग सो रेगुलेटर्स जो हैं जो कि कोई भी यूटिलिटी इसके प्राइसिस को अगर असेस करना है फ़ॉर एग्जाम्पल बिजली की कीमत का तयन क्या होगा हाउ मच चार्ज और या प्राइस और हाउ मच विल बी द चार्ज फॉर एलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटी या कोई भी और यूटिलिटीज के चार्ज को रेगुलेटर्स कंट्रोल करते हैं कि इसकी कीमत यह होनी चाहिए उसको असेस करने के लिए भी कैपम को इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि एक फेयर रेट ऑफ़ रिटर्न को असेस किया जा सके एस्टीमेट किया जा सके ताकि कस्टमर के ऊपर जो आपने चार्ज लगाना है तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो कि ये फेयर रेट ऑफ रिटर्न है ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं जहाँ जिन्होंने मनी जनरेट करनी है उस यूटिलिटी के प्रोविजन से उनको भी नुकसान ना हो और कस जो कंज्यूमर है जो इस्तेमाल कर रहा है उस यूटिलिटी को उसको भी बहुत ज़्यादा कीमत अदा ना करनी पड़े तो इसके लिए जो रेगुलेटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि एक फेयर प्राइस को असेस करें और उस फेयर प्राइस को असेस करने के लिए वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का सहारा लेते हैं ना फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज हमने सोचा कि कोई uh, एक कमीशन है जो कि रेगुलेट करता है बिजली की कीमतों को और उसके लिए उसने एक फेयर प्राइस को कैलकुलेट करना है ताकि वो कस्टमर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज किया जा सके या उस उसको रेगुलेट करने के लिए उनको पैमाना पता होना चाहिए कि ये कीमत है जिसके ऊपर फेयर प्राइस है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे नहीं होगी कस्टमर के लिए तो उसके वास्ते कमीशन क्या करेगी कमीशन ने कॉस्ट ऑफ़ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी को असेस करने के वास्ते वो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की मदद से उस पर्टिकुलर फेयर रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने रेगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट इस पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर नहीं जानी चाहिए या नीचे नहीं जानी चाहिए